स्वागत है। तो सीधे आपको निकाय चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। 41 नगर पालिकाओं के का कार्यकाल 43 का कार्यकाल जो नवंबर माह में पूर्ण होगा, उनके चुनाव कार्यक्रम के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। माइक है ना, माइक कहीं रखा है ना, माइक था ना, माइक नहीं लाया, खड़ा नहीं। चुनाव कार्यक्रम कैसे कैसे रहेगा, इससे पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि जो 43 ULBs हैं जिनका टाइम नवंबर में पूरा होगा, और 6 नए राज्य सरकार द्वारा जो पूर्व में नगर पालिकाएँ बनाई थी, कुल मिला के 49 नगर निकायों में 32,99,337 मतदाता अपना मत का उपयोग करेंगे। 32,99,337 32,99,337 वोटर्स, और सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो नगर निगम बीकानेर में हैं, जिनकी संख्या 441,294 है। और इन चुनाव में सबसे कम जो मतदाता हैं वो नसीराबाद नगर पालिका में हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 957 है। ठीक है, ये सभी चुनाव इन में EVM से कराए जाएंगे, और इन 49 नगर निकायों में जो वार्ड हैं वो हैं 2,105, और इन 2,105 वार्ड्स में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 3,479। ठीक है, अब मतदाताओं के, चूंकि जैसा मैंने बताया कि EVM से चुनाव होंगे, और मतदाताओं के आइडेंटिफिकेशन के लिए वैसे तो हमारे प्रदेश में 100% EPIC कवरेज है, लेकिन फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे वैकल्पिक फ़ोटो दस्तावेज हैं, जिसकी डिटेल हम आपको इसके साथ ही दे देंगे, आप उसमें से ले लेंगे। 12 वैकल्पिक फ़ोटो दस्तावेज हैं जो प्रस्तुत करने पर भी आप मतदाता वोट दे सकते हैं। मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, और ये हमने समाचार पत्र के माध्यम से भी बताया था कि एक SMS गेटवे की सर्विस भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें एक नंबर है, मोबाइल नंबर, जो आप उसमें से ले लेंगे, जो
देंगे मैं, उस पर एसएमएस करने पर वोटर की डिटेल्स जो हैं कि उसका मतदान केंद्र क्या है क्या है, वो सब चीज़ें उसमें उसको ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाती हैं। तो ये उसकी सुविधा के लिए ये एसएमएस गेटवे सर्विस उपलब्ध कराई गई। इन 49 नगर पालिकाओं के चुनाव में मतदान और मतगणना के कार्यक्रम में करीब 20,000 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा और इसी प्रकार चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब करीब 20,000 ही पुलिस बल, जो स्टेट पुलिस, आर्म्ड पुलिस, होमगार्ड उसमें शामिल होंगे, वो नियोजित किए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना पुलिस अधिकारियों और होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ चर्चा करके बनाई गई है। इस चुनाव प्रक्रिया के सुपरविजन के लिए, जैसा कि दूसरे चुनाव में भी किया जाता है, ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। वो आईएएस से या आरएएस के जो सुपर टाइम सीनियर अधिकारी हैं उनमें से सेलेक्ट करके प्रत्येक ज़िले में ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, जो कि इन चुनाव के सुपरविजन का काम करें और आयोग को कोई ऐसी चीज़ जो उनके ध्यान में आती है वो रिपोर्ट करें। इसके अलावा पिछली बार जो 2014 में कैंडिडेट्स के लिए खर्चे का निर्धारण किया गया था, इस बार उस सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है। जो 2014 में सीमा निर्धारित थी उसको बढ़ाकर नगर निगम सदस्य के लिए 2,50,000 और नगर परिषद के सदस्य के लिए 1,50,000, नगर पालिका मंडल के सदस्य हेतु 1,00,000, आपके रेपुटेशन के लिए सुविधा के लिए नगर निगम के सदस्य हेतु 2,50,000, नगर परिषद के सदस्य हेतु 1,50,000 और नगर पालिका मंडल के सदस्य हेतु 1,00,000 रुपये की सीमा रखी गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लाउड स्पीक जो एक्सपेंडिचर है वो मुख्यतः जो नियम नगर पालिका के बने हुए हैं उनमें वाहनों नगर निगम के जो नियम हैं उसमें ये एक्सपेंडिचर मुख्यतः वाहनों, लाउडस्पीकर के उपयोग, होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स के काम में जो लिए जाएंगे उसके लिए एक्सपेंडिचर की सीमा है। लाउडस्पीकर और वाहनों पे जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके बारे में भी